तो प्रश्न दिया गया है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन वन इस असमिका को हमें सरल करना है तो मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन वन ध्यान दीजिए कि यदि हर का मान शून्य हो जाए तो यह जो राशि दी गई है यह अर्थहीन हो जाएगा तो इसके लिए हम यह लिखेंगे कि यह स्पष्ट है कि x इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू आपको माइनस टू मिल जाएगा के लिए यह असमीका अर्थहीन है आगे सरल करते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन इज ग्रेटर देन ज़ीरो आगे जब इसे हम सरल करेंगे तो यहाँ पर इसका जो लघुतम स्वापर्त है ये एक्स प्लस टू होगा अंश में आपको मिलेगा मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो अब ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसल हो जाएगा अल्टीमेटली हमें मिल रहा है मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इज़ ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पर जो मॉड ऑफ़ एक्स प्लस थ्री है इसकी वजह से यहाँ पर दो स्थितियाँ निर्मित होगी तो हम लिखेंगे कि यहाँ दो स्थितियाँ है पहला जब मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री जो दिया है तो हम यहाँ पर एक्स प्लस थ्री इस ग्रेटर देन ज़ीरो लेकर के चलेंगे तो इसका मतलब ये कि एक्स इस ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस थ्री इस स्थिति में मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री का जो मान है यह एक्स प्लस थ्री प्राप्त होगा तो इस प्रकार ये जो असमीका है इसे हम लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री का मान एक्स प्लस थ्री है सरल कर देंगे तो ये एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर जीरो तो इस प्रकार के असमिका को हम हल कर चुके हैं x प्लस टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस टू मिलेगा और x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपको x इक्वल टू माइनस वन मिलेगा तो ये जो है इस अंतराल को दो भागों में विभक्त करती है तो एक मान लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस टू है और ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस वन है तो यहाँ पर माइनस टू और माइनस वन इस अंतराल को तीन भागों में वक्त कर रही है इसके आगे की ओर जो वैल्यू मिलेगी हमें सर माइनस इन्फिनीटी इधर प्लस इन्फिनीटी ये पॉजिटिव होगी यहाँ इस इंटरवल में निगेटिव होगी और फिर इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगा तो यहाँ पर देखिए कि इसका मान एक से बड़ा है अर्थात हमें धनात्मक वैल्यू चाहिए तो धनात्मक मान जो है वो इस अंतराल से इस अंतराल में और इस अंतराल से इस अंतराल में मिलेगा तो हम इसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन माइनस वन टू इन्फिनिटी किंतु यहां पर एक स्थिति और दी गई है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस थ्री ये इस स्थिति को भी हम इसमें शामिल करेंगे जब ये शामिल करेंगे तो x का मान ऋण तीन के बराबर या उससे बड़ा है तो ये माइनस इन्फिनिटी की से लेकर के इस तक की जो वैल्यू है उसे हम हटा देंगे तो इस प्रकार हल समुच्चय जो होगा यह हमें मिल जाएगा क्लोज इंटरवल माइनस थ्री से माइनस टू और फिर यह यूनियन माइनस वन से इंफिनिटी एक बार फिर देखते हैं एक्स इजन आर इक्वल टू माइनस थ्री यहां पर इक्वल टू का भी साइन लगा है इस वजह से यहाँ पर लेफ़्ट में क्लोज इंटरवल होगा और राइट right में ओपन इंटरवल होगा तो ये जो अंतराल है इसके साथ में ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हम लोगों ने ले लिया कि ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो ये ये कंडीशन और इन दोनों कंडीशन से हम लोगों ने जो हल समुचे निकाला है वो ये है अब हम लोगों अभी हम लोगों ने पहली स्थिति देखी थी अब हम लोग इसकी दूसरी स्थिति देखेंगे हमारा केस टू है तो दूसरी स्थिति कि जब x प्लस थ्री इस लेस देन जीरो होगा अर्थात ये नेगेटिव नंबर हमें मिलेगा तो x इज लेस देन माइनस थ्री तो इस स्थिति में मॉड ऑफ x प्लस थ्री का जो मान है ये हमें माइनस ऑफ x प्लस थ्री प्राप्त होगा तो इसलिए हमारा जो असमीका दिया था मॉड ऑफ x प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो इसमें हम लोग ये मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री की जगह अप्लाई कर देंगे कि ये माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो आगे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस फाइव आपको मिल जाएगा और ये एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पर यह माइनस साइन है इसको अगर धनात्मक कर दें इसका मतलब दोनों पक्षों में हम से गुणा कर देंगे तो ये जो असमिका है यह परिवर्तित हो जाएगी ये हो जाएगा x इस लेस देन जीरो हो जाएगा। इस प्रकार की असमिका हम हल कर चुके हैं इसका जो हल हमें प्राप्त होता है ये x बिलोंग्स टू माइनस फाइव माइनस टू प्राप्त होगा देखो यहाँ पर x प्लस टू इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो माइनस टू मिलेगा और x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो माइनस फाइव मिलेगा तो मान लेते हैं कि ये माइनस फाइव है ये माइनस टू है यहाँ पर आपको धनात्मक ये ऋणात्मक और फिर धनात्मक मान मिलेगा यहाँ पर जो आप वैल्यू देख पा रहे हैं इस लेस देन जीरो इसका मतलब है कि ऋणात्मक संख्या चाहिए और ऋणात्मक संख्या जो है ये ऋणात्मक मान जो है वो आपको इस अंतराल में मिल रहा है x बिलोंग्स टू माइनस फाइव माइनस टू ओपन इंटरवल में x जो होगा वो शामिल होगा तो इस प्रकार केस वन व केस टू स्थिति एक व स्थिति दो से प्राप्त अभिष्ट हल समुच्चय तो पहले हमें जो मिला था वो यह इंटरवल मिला था अब दूसरा जो इंटरवल मिला है इसका हम यूनियन ले लेंगे और इसे यदि हम सरल करें तो आपको मिल जाएगा देखिए माइनस फाइव टू माइनस टू में यह इंटरवल जो है वो शामिल है तो यह हट जाएगा और इन दोनों का यूनियन आ जाएगा तो इसका मतलब यह कि माइनस फाइव माइनस टू यूनियन माइनस वन इन्फिनिटी यही इस असमीका का हल है अगर आप समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आप एक संख्या रेखा खींचें ये माइनस फाइव तो ये माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन और ज़ीरो और आगे संख्याएं हैं इस तरफ धनात्मक है और इस तरफ ऋणात्मक है तो जब आप ये अंतराल ले रहे हैं माइनस फाइव से लेकर के माइनस टू के बीच में तो ये जो माइनस थ्री से टू है ऑलरेडी ये यहां पर शामिल है तो इस वजह से इसका जो हाँ यूनियन आपको मिलेगा ये माइनस फाइव माइनस टू ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल माइनस वन अगला प्रश्न दिया गया है कि मोड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इस प्रश्न को हमें सरल करना है या असमिका को हल करना है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इस लेस देन वन तो इसे यदि हम आगे सरल करें तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का मॉड अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन इस लेस देन जीरो आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एक्स और ये माइनस टू हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस टू इस लेस देन जीरो या फिर इसे हम ब्रैकेट में लगा करके इसको प्लस साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो अब यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है इसको लेकर के दो स्थितियां निर्मित होती है जैसा कि हमने पूर्व प्रश्न में किया था तो हम लिखेंगे कि यहां दो स्थितियां हैं केस वन या पहली स्थिति जब जब x माइनस वन इज ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इसका मतलब ये कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन मिलेगा तो इस स्थिति में ऑफ़ जो है ये x हमें प्राप्त होगा तो ये मान हम इसमें रख देते हैं असमीका लेस देन जीरो जो होगा हमें मिल जाएगा एक्स माइनस वन माइनस एक्स और ये माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इस लेस देन जीरो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इस लेस देन जीरो इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस वन और माइनस टू यहाँ पर ही यह आपको माइनस थ्री मिल जाएगा तो माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू इज लेस देन ज़ीरो तो इस स्थिति में आपको यह पता है कि जब ए बटे बी का जो मान होता है यह ऋणात्मक होता है और ए का मान ऋणात्मक है तो इससे आपको यह मिलता है कि बी का मान धनात्मक होगा चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ए बटे बी का जो मान है यह ऋणात्मक है तो मान लिया जाए कि ये माइनस माइनस ऑफ वन अपॉइंट टू है ये लेस देन जीरो है ए का मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये कि ये जो वन है इसको हम यहाँ पर साइन लगा सकते हैं अगर अंश आपका ऋणात्मक है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हर है यह धनात्मक मिलेगा तो इस तरीके से यहाँ पर जो राशि दी गई है उस उसको हम इस कंसेप्ट का उपयोग करके सरल कर सकते हैं तो इसकी सहायता से हम इसको लिख पाएंगे कि x प्लस टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देखिए ये पूरा जो पद हमें दिख रहा है ये ऋणात्मक है और ए बाई बी मतलब माइनस थ्री है ये तो ऋणात्मक है ऑब्वियस ही बात है तो इसका मतलब ये कि एक्स प्लस टू जो होगा हमें धनात्मक संख्या प्राप्त तो होगी तो इसे जब आप आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू लेकिन यहाँ पर एक और स्थिति हमें मिली है वो ये कि एक्स इज ग्रेटर टू वन तो किंतु एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन अतः एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू और एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन इन दोनों स्थिति से हम या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन मिलेगा तो इस प्रकार जो हल समुच्चय प्राप्त हुआ है इस स्थिति के लिए इस प्रकार हल समुच्चय इस, इस स्थिति में जो प्राप्त हुआ है यह है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनी और ये लाइट में ओपन होगा ये पहली स्थिति हो गई अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं तो अब चलते हैं केस टू पर अब केस टू में स्थिति जो बन रही है वह यह कि जब x माइनस वन इज लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब ये कि x इस लेस देन वन अब इस स्थिति में मॉड ऑफ एक्स माइनस वन जो है ये माइनस ऑफ एक्स माइनस वन हमें प्राप्त होगा तो इसलिए ये जो हम हमें असमिका दी गई थी एक्स माइनस वन और माइनस ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू इस लेस देन ज़ीरो इसको आगे सरल करते हैं तो इसका मान मिल जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का मान हमने यहाँ पर लिखा और आगे ये ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इस लेस देन ज़ीरो आगे जब आप इसे सरल करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस वन हो जाएगा तो माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इस लेस देन ज़ीरो यहाँ पर माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं तो माइनस कॉमन ले सकते हैं या फिर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे तो असमिका जो है वो बदल जाएगी ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो तो इस प्रकार की स्थिति किस प्रकार कैसे हल करते हैं इस प्रश्न को हम देख चुके हैं यहाँ पर x प्लस टू इक्वल टू जब पुट करेंगे तो आप जीरो पुट करेंगे तो आपको x इक्वल टू माइनस टू मिलेगा और इसको जब टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो माइनस वन बाई टू मिलेगा तो ये माइनस इनफिनिटी इस डायरेक्शन में और प्लस इनफिनिटी, एक्स इक्वल टू माइनस टू और माइनस वन बाई टू तो ये मान के चलते हैं कि ये ये जो है ये माइनस टू है और ये वाली स्थिति जो है ये माइनस वन बाई टू है तो इस प्रकार ये प्लस माइनस और ये प्लस इस इन, इस तरीके से ये जो मान है इस असमिका को ये जो इंटरवल है आर इसको ये दो मान तीन अलग अलग भागों में विभक्त कर रही है और यहाँ पर हमें जो मान चाहिए ये हमें धनात्मक मान चाहिए तो उसका मतलब ये कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू ये इंटरवल और माइनस वन बाई टू से प्लस इन्फिनिटी ये दो इंटरवल में हमें यह मान प्राप्त होगा तो इस प्रकार हम इसे लिखेंगे एक्स इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन माइनस वन बाई टू टू इन्फिनिटी किंतु यहाँ पर एक और स्थिति है वो ये एक्स इज लेस देन वन तो इस स्थिति में एक्स इज लेस देन वन तो हम लिखेंगे कि इस स्थिति में एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनी टू माइनस टू यूनियन माइनस वन बाई टू टू इन्फिनीटी और एक्स इज लेस देन वन इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें जो हल प्राप्त होगा ये होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू और यूनियन यूनियन माइनस वन बाई टू टू वन ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इन दोनों का जो वैनिस्ट है वो हमें ये प्राप्त हुआ और यही इस प्रश्न के लिए उत्तर है एक चर में रेखीय असमीका के लेखा चित्र असमीका x इज ग्रेटर देन टू का ग्राफ खींचना तो ग्राफ खींचने के पहले असमीका के संगत हमें समीकरण लिखने आना चाहिए जैसे कि x इज ग्रेटर टू के संगत समीकरण है x इक्वल टू टू अर्थात यहां पर जो इक्वल टू है इस चिन्ह को हटा करके यदि ग्रेटर देन का साइन लगा दिया गया तो यह असमीका बन गई तो x इक्वल टू टू एक ऐसे रेखा का समीकरण है जो कि y अक्ष के समांतर है तथा y अक्ष से दो इकाई दूरी पर स्थित है तो अब इसे हम यदि ग्राफ पर प्लॉट करें तो वह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तो यह आप देख पा रहे हैं कि जो समीकरण x इक्वल टू टू है यह तल को दो भागों में विभाजित करता है क्षेत्र एक x इक्वल टू टू के दाइयोर तथा क्षेत्र दो x इक्वल टू टू के स्थित है वह क्षेत्र जिसके लिए x इज ग्रेटर टू सत्य है वह क्षेत्र एक है जो कि अभिष्ट लेखा चित्र या ग्राफ है इसी तरीके से यदि y इज लेस देन थ्री का लेखा चित्र खींचने कहा जाए तो पहले हम उसका संगत समीकरण देखेंगे जो कि y इक्वल टू थ्री है y इक्वल टू थ्री उस रेखा का समीकरण है जो कि x अक्ष के समांतर है तथा एक अक्ष से तीन इकाई दूरी पर स्थित है तो यदि हम ग्राफ में प्रदर्शित करें तो यह रेखा y इक्वल टू थ्री को प्रदर्शित करता है अब y इज लेस देन थ्री इसका हमें लेखा चित्र खींचना है तो y का मान तीन से छोटा है अर्थात y इक्वल टू थ्री जो प्लस थ्री है उसके नीचे का भी जितने भी रेखा के नीचे मूल बिंदु की ओर जो क्षेत्र बन रहा है यह y इस लेस देन थ्री को प्रदर्शित करता है तो इस प्रकार हम आगे ध्यान दें तो हम देखेंगे कार्तीय पद्धति में निम्न असमिकाओं द्वारा विभिन्न चतुर्थांशों को दर्शा सकते हैं जैसे कि पहला x इज ग्रेटर देन जीरो का मान शून्य से बड़ा होगा यह प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में होगा आप रेखा चित्र से इस तरीके से समझ सकते हैं कि x का मान मूल बिंदु से x अक्ष में राइट हैंड साइड जाने पर मिलता है तो वहां से राइट की ओर जो क्षेत्र बन रहा है वह x इज ग्रेटर देन जीरो को प्रदर्शित करता है दूसरा x इज लेस देन जीरो यह रेखा चित्र पर या ग्राफ पर दूसरे और तीसरे चतुर्थांश को कवर करता है या फिर इसे हम ग्राफ में प्रदर्शित करें तो जो सेडेड पार्ट जो दिखाई दे रहा है यही एक्स लेस देन जीरो को प्रदर्शित करता है तीसरा वाइस ग्रेटर देन जीरो। तो y का मान शून्य से बड़ा जो हमें मिलेगा वह प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित होगा तो इस तरीके से वाइस ग्रेटर देन जीरो को आप इस तरीके से ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं या फिर यह जो सेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है छायांकित भाग दिखाई दे रहा है यह वाइस ग्रेटर देन जीरो को निरूपित करता है इसी प्रकार वाइस लेस देन जीरो जो होगा अर्थात वाई का मान शून्य से कम होगा यह तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश को घेरा हुआ क्षेत्र होगा तो इसे आप ग्राफ में इस प्रकार आप छायांकित भाग से प्रदर्शित कर सकते हैं। दो चरों में रैखिक असमीकावल टू सी या एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू सी या फिर एक्स प्लस बीवाई लेस देन सी या एक्स प्लस जैसा कोई व्यंजक जहां A, B और सी वास्तविक संख्याएं हैं दो चरों का एक असमीका कहलाता है असमीका का हल यदि कोई क्रमिक युग्म दिए हुए असमिका को संतुष्ट करता है तो वह उस असमिका का हल कहलाता है अतः एक्स वन वाई वन

एक्स प्लस बीवाईन और सर्वप्रथम असमीका या असमता लेस देन और समता अर्थात बराबर चिन्ह से विस्थापित करते हैं ए एक्स प्लस इक्वल टू सी इसका हम ग्राफ खींचते हैं जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है अर्थात ए एक्स प्लस बीवाईक्वल टू सी का ग्राफ खींचे तो हमें सरल रेखा मिलेगी यदि असमता ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू है तब इस ग्राफ में रेखा के बिंदु को सम्मिलित किया जाता है तथा खींची गई रेखा सतत होती है यदि असमता ग्रेटर देन या लेस देन है तब इस रेखा के बिंदुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता तथा बिंदुदार रेखा खींची जाती है यह रेखा एक्स ओ वाई समतल को दो अर्ध समतलों या दो क्षेत्रों में विभक्त करता है यह ज्ञात करने के लिए कि कौन सा क्षेत्र दिए हुए असमिका को संतुष्ट करता है निम्न क्रियाविधि अपनाएंगे पहला किसी स्वेच्छ बिंदु या परीक्षण बिंदु को चुनते हैं तथा इसे रेखांकित करते हैं यह दोनों क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में होगा यदि दिए हुए असमिका को संतुष्ट करता है तो वह क्षेत्र जिसमें बिंदु स्थित है अभिष्ट क्षेत्र है यदि बिंदु दिए हुए असमिका को संतुष्ट नहीं करता है तो वह दूसरा क्षेत्र अभिष्ट क्षेत्र है अभिष्ट क्षेत्र को छायांकित करेंगे तो यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि संगत समीकरण का ग्राफ मूल बिंदु से नहीं गुजरता तो मूल बिंदु शून्य शून्य स्वेच्छ या परीक्षण बिंदु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बिंदु है रेखीय निकाय दो या अधिक रेखीय असमिकाओं के समूह को रेखीय असमीका निकाय कहते हैं असमिका निकाय का हल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक असमिका का लेखा चित्र खींचते हैं निकाय के सभी असमिकाओं को संतुष्ट करने वाला क्षेत्र उनके द्वारा निरूपित अर्ध तलों का उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है उसे निकाय का हल कहते हैं सुसंगत क्षेत्र या फिजिबल रीजन असमिकाओं को संतुष्ट करने वाला क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कहलाता है क्योंकि उस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक बिंदु असमिका निकाय का सुसंगत हल होता है तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो X zero, और y one, के हल का ग्राफ खींचिए तो हमने यह पढ़ा है कि पहले असमीका को हम समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और उसका ग्राफ खींचते हैं दोनों समीकरण का ग्राफ खींच लेने के बाद में जो उभयनिष्ठ क्षेत्र बचेगा वही इस असमिका का हल होगा तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इस असमिका को समीकरण में परिवर्तित किया जाए तो हमें मिलेगा x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो जो है यह y अक्ष का समीकरण होता है और x इज ग्रेटर देन जीरो का अर्थ वह क्षेत्र है जिसमें x धनात्मक है अतः x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो द्वारा y अक्ष सहित उसके दाईं ओर का क्षेत्र निरूपित होगा अब दूसरी असमीका y ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन इसे यदि हम समीकरण में परिवर्तित करें तो हमें मिलेगा y इक्वल टू वन अब y इक्वल टू वन उस रेखा का समीकरण है जो x अक्ष के समांतर है तथा x अक्ष से एक इकाई दूरी पर स्थित है यदि इसे हम रेखा खींचे तो यह कुछ इस प्रकार प्रदर्शित होगा अब y ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है तो y का मान एक से बड़ा जो होगा वह वह क्षेत्र होगा तो इस प्रकार यदि इसे छायांकित भाग से प्रदर्शित करें तो आप यह देख पाएंगे कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र दिखाई दे रहा है जिसे हमने चित्र में छायांकित भाग से प्रदर्शित किया है यही इन दोनों असमीकाओं का ग्राफ है असमीका निकाय का ग्राफ उभयनिष्ठ क्षेत्र को दर्शाइए एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और और y equal to zero. x equal to zero, यह प्रथम द्वितीय चतुर्थांश जो क्षेत्र है x equal to zero को यदि हम समीकरण में परिवर्तित करें तो में मिलेगा x इक्वल टू जीरो का समीकरण है एक्स इज ग्रेटर टू जीरो अर्थात x का मान शून्य और शून्य से बड़ा होना चाहिए अर्थात मूल बिंदु से राइट साइड पर यदि आप x अक्ष पर जाएं, तो वहां पर आपको एक्स का मान धनात्मक मिलेगा तो यदि इसे हम छायांकित भाग से प्रदर्शित करें तो यह भाग जो है यह एक्स ग्रेटर टू जीरो को प्रदर्शित करता है अब वाइस ग्रेटर टू जीरो को समीकरण में परिवर्तित करें तो यह हमें मिलेगा इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो x अक्ष का समीकरण है वाइज ग्रेटर देन जीरो अर्थात y का मान शून्य और शून्य से बड़ा होना चाहिए यदि इसे हम छायांकित भाग से प्रदर्शित करें तो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश को यह घेरेगा और पहले और दूसरे ग्राफ को यदि हम मिला दें तो हमें एक छायांकित भाग मिलेगा जो कि प्रथम चतुर्थांश पर एक दूसरे को काट रहे हैं या फिर दोनों छायांकित भाग में उभयनिष्ठ भाग जो है यह प्रथम चतुर्थांश है और यही इस असमिका निकाय को प्रदर्शित करता है अगला प्रश्न x इज ग्रेटर दैन टू और एक्स इज लेस वन इसका संयुक्त ग्राफ खींचने के, के रूप में और फिर इसे ग्राफ के रूप में खींच लेते हैं तो एक्स इक्वल टू टू उस रेखा का समीकरण है जो y एक्स के समांतर है तथा y अक्ष से दो इकाई दूरी पर स्थित है इसी प्रकार x इज लेस देन इसे समीकरण में लिखें या बदलें तो हमें मिलेगा x इक्वल टू वन और x इक्वल टू वन उस रेखा का समीकरण है जो y अक्ष के समांतर है तथा y अक्ष से एक इकाई दूरी पर स्थित है x इज ग्रेटर देन टू अर्थात x का ऐसा मान जो कि दो से छोटा है तो इस रेखा के तो x इज लेस देन टू x इज ग्रेटर देन टू अर्थात x का मान जो दो से बड़ा है तो ये आपको x इक्वल टू टू के राइट हैंड साइड में जो क्षेत्र बनेगा इस तरीके से ग्राफ में प्रदर्शित होगा और x is less than 1, x अर्थात का मान एक से छोटा है तो वो x इक्वल टू वन के लेफ्ट साइड पर जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है यह x इज लेस देन वन को प्रदर्शित करेगा और आप यह देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है और यही इस असमीका का ग्राफीय निरूपण है अगला प्रश्न वाई इस ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस टू और वाइस लेस देन आर इक्वल टू माइनस टू तो सर्वप्रथम हम वाई इक्वल टू माइनस टू का ग्राफ खींचेंगे तो वाई इक्वल टू माइनस टू उस रेखा का समीकरण है जो कि एक्स अक्ष के समांतर है तथा दो इकाई दूरी पर मूल बिंदु से वाई अक्ष में नीचे की ओर स्थित है तो माना इसे हम रेखा ए बी से प्रदर्शित कर रहे हैं तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस टू अर्थात माइनस टू से y का मान बड़ा होना चाहिए तो यह रेखा के ऊपर की ओर प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में और कुछ भाग है तीसरे और चतुर्थ चतुर्थांश का इसे हम इस तरीके से ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं और दूसरा y इज लेस देन माइनस टू तो y का मान माइनस टू से छोटा है अर्थात इस रेखा के नीचे की ओर जो भाग प्रदर्शित हो रहा है यह y इस लेस देन आर इक्वल टू माइनस टू को प्रदर्शित करता है इन दोनों के बीच में जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वह केवल रेखा है जो कि y इक्वल टू माइनस टू है